आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम बुखार आदि समस्याएं आम हो जाती हैं। वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो सर्दियों में छोटे बच्चों को अधिक ठंड लगती है, ऐसे में जरूरी है कि उनकी देख रेख ज्यादा होनी चाहिए। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम बुखार आदि समस्याएं आम हैं। वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो सर्दियों में छोटे बच्चों को अधिक ठंड लगती है, ऐसे में जरूरी है कि उनकी ज्यादा देखभाल की जाए। देखिए, बदलता हुआ मौसम, चाहे गर्मी से सर्दी का हो, सर्दी से गर्मी की तरफ जाता हुआ हो, जब चेंज ऑफ टेम्परेचर किसी भी रूप में होता है तो बच्चों को विशेष रूप से काफ़ी प्रभावित, बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी प्रभावित करता है। क्योंकि हमारा संपर्क सीधा बच्चों की पर है तो हम ये देखते हैं कि बदलते हुए उस मौसम में सामान्य कफ कोल्ड के अलावा, वायरल इन्फेक्शन के अलावा सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और इस दौरान जो निमोनिया है, कफ कोल्ड है, सांस की दिक्कत है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ती हैं, तो इसके हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। मौसम बदलना शुरू हो गया है और ठंड ने दस्तक दे दी है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां ठंड ज्यादा है। मौसम बदलने के साथ ही आपको अपनी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। इस मौसम में सर्दी जुकाम बुखार, स्किन का फटना, ड्राइनेस आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों को उन सब चीज़ों का सेवन ना करना पड़े जो कि हमारे शरीर के रूप में ठंडी चीज़ें हैं, जो कि हमारे शरीर को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। तो अभिभावकों से और उनके बच्चों को यही कहना है कि इस बदलते हुए मौसम में और विशेष रूप से कोरोना काल में, चूँकि हम उसको नहीं भूल सकते जब तक कि पूरी तरह से हम उससे पूरा एक अपनी मतलब विरोध शक्ति, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, जब तक उपलब्ध ना हो तो हम वो सब चीज़ों का बिल्कुल हमारे दिमाग में भरपूर होना चाहिए। वहीं अगर बच्चों की बात की जाए तो सर्दियों में छोटे बच्चों को अधिक ठंड लगती है, ऐसे में ज़रूरी है कि उनकी ज़्यादा देखभाल की जाए। बच्चों की बात करें तो मौसम की ठंड और हवा से बचाने के लिए शिशु को सही तरह से ढकना या कपड़े पहनाना जरूरी होता है। इसके लिए सभी को जानकारी होनी चाहिए कि शिशु को सबसे ज़्यादा ठंड किन अंगों में लगती है, ताकि लोग उन अंगों को विशेष तौर पर मोटे कपड़े से ढकें और उन्हें मोटा कपड़ा पहनाएं। लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़, आगरा।